हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। संजू फिल्म का दूसरा गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम है कर हर मैदान फतेह। ओ कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, ओ बंदे आ कर हर मैदान फतेह। यानी कि जो भी चीजें कर रहा है उसे फतेह कर, यानी कि उसमें अपनी जीत हासिल कर। कोई भी काम कर रहा है उसमें अपने अपने आप को विनर समझ, वो कर ले तू, क्योंकि तेरे होगा अगर तूने ठान ली करने की। तो बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल सॉन्ग है और करीबन करीबन 1 मिनट और 59 सेकंड का सॉन्ग है, यानी कि लगभग लगभग 2 मिनट का सॉन्ग है। और इस गाने को बहुत बढ़िया तरह से लिखा गया है शेखर अस्तित्व ने इस गाने को लिखा है और कमाल का गाना लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा इनका लिरिक्स। म्यूजिक जो है, म्यूजिक है विक्रम मॉन्ट्रीस का म्यूजिक है। म्यूजिक और गाना, म्यूजिक और लिरिक्स बहुत अच्छे बैठ रहे हैं और उस पर सोने से सुहागा कर रहे हैं सिंगर्स, यानी कि सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल। जी हाँ, गाना बहुत बढ़िया से शॉट किया गया है और म्यूजिक दिया गया है। लेकिन अगर विजुअल्स की बात करें तो विजुअल्स में अगर आप ध्यान दोगे तो ये उस वक्त के दौर पे गाना दिखाया गया ज्यादातर, जब संजू और ड्रग्स एकदम हालत खराब हो गई, मतलब मरने की कगार पर थे। तो उनके पिता को उन्होंने बोला कि पापा मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे है ना लाइफ जीनी है। तो वो जो थोड़ा सा एक्टिंग मोमेंट जो उतना उसमें आप समझ जाओगे कितना कितना इमोशनल, कितना डेप्थ इस गाने में और कितनी सीरियस लाइफ है संजय दत्त की। उसके बाद वो किस तरह से उनको यूएसए भेजते हैं, वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है ड्रग्स का, आपको बता दो बहुत डिफिकल्ट ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ इससे इस जिस तरह से घुस चुके थे वहां से बचना नामुमकिन या बहुत मुश्किल होता है, लेकिन संजय दत्त ने वो करके दिखाया था। और ये उनके 21 के दौर का था जब उनकी रॉकी फिल्म आने वाली थी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ सीन्स में गाने में दिखाई देता है कि किस तरह से संजय दत्त प्रीमियर में जा रहे हैं। उसके बहुत सारा फ्लैशबैक दिखाते हैं, आगे पीछे का सब दिखाया, लेकिन हाँ ये गाना उसी दौर के हिसाब से शूट किया गया है। और यहाँ पे एक सीन में आप अगर देखोगे तो आई थिंक घर से चला जाता है संजय दत्त, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पर उसे पिताजी से यानी सुनील दत्त से कहते हैं कि यार तुमने उसको रोका क्यों नहीं, तो वो बोला कि वो आज नहीं तो कल चला ही जाएगा, उसको अपने रास्ते खुद ही चुनने दो, उसको अपनी मंजिल खुद डिसाइड करने। तो बहुत अच्छी सीख है हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे के लिए, एक बहुत बड़ी चीज सुनील दत्त ने की थी। और सुनील दत्त ने जो भी कुछ किया वो बहुत ही दिलेरी से किया और बिंदास तरीके से किया। और एक 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 सीन यहाँ पे बहुत ही यूनिक लगेगा कि जब बहुत ज्यादा तलब लगती होती है इस कुछ शराब वगैरह पीने की, तो वो निकालते हैं शराब, लेकिन उनके पिताजी के सामने वो थोड़ा सा उनको अजीब सा लगता है, तो उनके पिताजी बोलते हैं ठीक है भाई तू पी ले। यानी कि बहुत समझदार है, तो उनको पता है कि उनका बेटा कौन सी परिस्थिति से गुजर रहा है। और वो आई थिंक एक जो बाप बेटे का जो प्यार है, जो बॉन्डिंग है, वो इस गाने में काफी हद तक आपको समझ में आएगी। मैं इसमें कमियां ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे कमियां दिख नहीं रही। पहली बात तो कमियां दिखती हूँ, सामने सामने दिखती हैं। और गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये गाना चार्टबस्टर सॉन्ग होने वाला है, ये आप लिख के रख लो। मुझे पसंद आया, दिल से पसंद आया गाना, मीनिंग जो था इस गाने का वो मेरे दिल तक पहुंचा, इसलिए मैं इस गाने को दे रहा हूँ 5 स्टार। जी हाँ, मुझे 5 स्टार वाला ये गाना लग रहा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या लगता होगा, आपको लगता होगा यार क्या बोले, बट हाँ मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज मैंने देखी, मनीषा कोयराला का लुक देखा। मनीषा कोयराला को अगर आप ध्यान से देखोगे इस गाने में, वो माँ बनी है संजय दत्त की, यानी कि सीधी सी बात है नरगिस दत्त बनी और नरगिस दत्त बनी है। और नरगिस दत्त बहुत ही बहुत सुलझी हुई लेडी थी, आपको पता है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुई, यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस इंडियन सिनेमा की रही है। लेकिन हाँ थोड़ी सी चुलबुलापन जो उनका रहता है वो इस गाने में आपको नजर आएगा, किस तरह से वो एयरप्लेन में सीटी है ना प्लेन में सीटी बजाती है। तो कई सारी चीजें मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म कमाल की है, नो डाउट फिल्म कमाल की, ये गाना भी कमाल का है। लिख के रख लीजिए ये फिल्म जो धमाल करने वाली है ना, ये रणबीर कपूर के कैरियर को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने वाली है, आसमान के ऊपर लेके जाएगी। जैसे वो प्लेन में जाते हैं संजय दत्त और उनके फैमिली इस फिल्म में, और एक दो लुक नया सामने नजर आया इस गाने में जो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और आपके हिसाब से क्या लगता है ये गाना कितना डिजर्व करता है और कितना बढ़िया गाना है? चलिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, ये बहुत मोटिवेटिंग गाना है, एक मीनिंगफुल गाना है हर किसी की लाइफ के लिए कि आपको अपनी जर्नी किस तरह से निभानी चाहिए खुद पर भरोसा करके, क्योंकि अगर आप खुद पर भरोसा करोगे तो हर मैदान आपका फतेह जरूर होगा। चलिए फिलहाल इतना ही।